हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का आपके चैनल सूरज पाल टेक्निकल ट्रिक्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आप अपना चैनल ग्रो कैसे कर सकते हो, आगे कैसे बढ़ा सकते हो, मतलब एक बूस्ट आपके चैनल पर, एक बूस्ट जो आपके चैनल को आगे बढ़ा सकता है, वो कहाँ से आप ला सकते हो। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ट्रिक कुछ तरीके आपको हम बताने वाले हैं एंड समझाने वाले हैं। सो दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपको टेक से जुड़ी वीडियो मिलती रहती है एंड आगे भी आपको टॉपिक से भरी वीडियो मिलती रहेंगी। एंड दोस्तों, कोई टाइम वेस्ट किए चलेंगे अपने टॉपिक पर और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हो, कोई वीडियो बनाते हो, तो पहले आप YT स्टूडियो में जाकर देखा कीजिए YouTube हमारी वीडियो कहाँ कहाँ भेज रहा है, ठीक है। एंड दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है, अगर आप चाहते हो कि हमारा चैनल बहुत जल्दी से ग्रो हो जाए, तो आपको एक काम नहीं करनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आपको किसी के कमेंट बॉक्स में जाकर कभी ये नहीं करना है कि भाई प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको ये बात कभी नहीं बोलनी। दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कि किसी की भी कमेंट बॉक्स में जाकर आप ये शब्द, ये वर्ड कभी यूज मत कीजिएगा। आप ये सब मत बोलिएगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसा बोलोगे तो YouTube देखेगा कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो YouTube आपका जो इंप्रेशन है, आप वीडियो का इंप्रेशन है, आपका चैनल का इंप्रेशन, वो रोक देगा एंड आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए, क्योंकि मैं गाइस किसी कमेंट में ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। आप लोग देख भी सकते हो बहुत से ऐसे यूट्यूबर जिनके कमेंट बॉक्स में हम जाकर उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा किसी से नहीं कहा कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आपको भी ये नहीं बोलना है, ठीक है। दोस्तों, पहले आपको ये चेक करना है कि आपका वीडियो कहाँ कहाँ यूट्यूब भेज रहा है, आपके वीडियो को यूट्यूब किस किस प्लेटफॉर्म पर भेज रहा है, मतलब कि सजेस्टेड लिस्ट में भेज रहा है, कि ब्राउज़र फीचर्स में भेज रहा है, कि यूट्यूब सर्च में भेज रहा है, कि या फिर फेसबुक व्हाट्सअप कहाँ कहाँ आपका वीडियो जा रहा है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर दोस्तों, दूसरा आपको काम ये करना है कि आपको टैग बारीकी से अच्छे से ध्यान से टैग आपको लगाना है, बिना टैग के आपका वीडियो नहीं चलेगा। टैग आपको ध्यान रखना है कि टैग कैसे लगाए, टैग कैसे लगाया जाता है। इस पर मैंने वीडियो बनाकर अपलोड ऑलरेडी की हुई है, आप चाहो देख सकते हो, लेकिन आप टैग गाइस सही से लगाओ। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टैग लगाने के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है TubeBuddy। आप TubeBuddy से अच्छा खासा टैग लगा सकते हो, वो आपको सजेस्ट करेगा एंड आप वहां जाकर टैग ला सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आपको टैग पर ज्यादा ध्यान रखना है। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको कभी किसी का देखी देखा नहीं करना है। जैसे आपने देखा कि टिकटॉक बैन हो गया, इस पर बहुत सी वीडियो पड़े हुए, बहुत सी वीडियो आ गए, अब आप सोचोगे कि मैं भी उसी पर वीडियो बना देता हूं, मेरे व्यूज आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। अगर आप ऐसा करोगे तो व्यूज कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनके सब्सक्राइब ज्यादा हैं, उनका व्यूज पहले आएगा, आपका व्यूज नहीं आएगा। तो आपको अपने माइंड के हिसाब से, आपको अपने दिमाग के हिसाब से, अपने टैलेंट के हिसाब से आप सबसे पूछा करो, भाई आप लोग को किस टॉपिक की वीडियो देखना है, कैसी वीडियो देखना है, आप ऐसी वीडियो बनाओ, ठीक है। एंड आपको ये सब काम नहीं करना है। दूसरा गाइस बात यह है कि आप अपने वीडियो को शेयर करो, फेसबुक पर शेयर करो। जैसा कि हम आपको बता दें कि फेसबुक पे एक पेज बना लो, पेज बनाकर आप वहाँ वीडियो शेयर करो। अगर आपके फेसबुक से वीडियो देखा जाता है तो काउंट होगा आपका व्यूज यहाँ पर यूट्यूब में, एंड काउंट होगा सब्सक्राइब आपका यूट्यूब में। एक पेज बना लो, पेज बनाकर आप वीडियो उसमें शेयर करो, ठीक है। जैसे दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, वहाँ जाकर आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे जानता हूँ कि मेरा वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में, सिर्फ 2-3 मिनट के लिए वहाँ चलकर आपको समझाएंगे, आपको अच्छे से दिखाएंगे कि आप कैसे समझ सकते हो एंड आप अपना चैनल कैसे ग्रो कर सकते हो। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, वहाँ चलकर आपको सब कुछ समझाएंगे एंड बताएंगे। सो हे गाइस, अब हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने YT स्टूडियो, वहाँ पर चल के आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे जानता हूँ कि मेरा वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल के YT स्टूडियो में। दोस्तों, जब हम अपना YT स्टूडियो ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस, कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको, एक वीडियो दिखाता हूँ, तो आपको खुद अच्छे समझ में आ जाएगा कि आपका वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा, मतलब आप खुद समझ जाओगे कि आपका वीडियो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, आप खुद ही समझ जाओगे। तो जैसा कि मैं एक वीडियो यहाँ चूज़ कर लेता हूँ, कोई वीडियो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए कि मेरा वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा एंड कैसे आप समझ सकते हो कि आपका वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके सामने एक वीडियो आ गया, ठीक है। मैंने एक वीडियो ओपन कर दिया आपके सामने, मैं जाकर सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा एंड अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना।
तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि हम अपने इस एनालिटिक्स में आ चुके हैं, तो आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हो कि आपका ये वीडियो चलेगा कि नहीं चलेगा। पहली बार गाइस मैं आपको बता दूं कि आप प्रयास देखा करो कि आपका वीडियो कहाँ कहाँ YouTube भेज रहा है, YouTube में है एंड सजेशन लिस्ट में है, नोटिफिकेशन देखा गया है, ब्राउजर फीचर्स देखा गया है, प्लेलिस्ट देखा गया है। तो इन सब गाइस इसका मतलब ये है कि आपका चैनल ग्रो हो रहा है, ठीक है। आप गाइस जब वीडियो बनाओ तो उसका दो दिन बाद तीन दिन बाद ये चेक किया करो कि आपका वीडियो कहाँ चल रहा है, कहाँ दौड़ रहा है। दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। आशा करता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना। सो दोस्तों जय हिंद।